ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सांगली DCC बैंक क्लर्क भर्ती 2019 सिलेबस के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। साथ ही मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताने वाला हूँ दोस्तों। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में शॉर्ट जानकारी बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं शॉर्ट ओवरव्यू के बारे में। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सांगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सांगली DCC बैंक बोलते हैं। सांगली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यह बैंक उपस्थित है। जॉब नेम जूनियर असिस्टेंट, जिसको क्लर्क भी बोलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 400 है, यानी कि भर्ती 400 पद के लिए निकाली गई है। जॉब कैटेगरी बैंक जॉब्स, ये भर्ती बैंक जॉब्स के अंतर्गत आती है। कैटेगरी सिलेबस, और ये वीडियो सिलेबस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ऑफिशियल वेबसाइट सांगली डिस्ट्रिक्ट DCCBank.com, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ वीडियो के आई बटन में देने वाला हूं। तो चलिए अब मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूं दोस्तों। एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस नहीं किया गया। तो जो मैं आपको अभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाला हूं, ये इसका एक्सपेक्टेड, यानी कि जो लास्ट ईयर का एग्जाम था उसका एग्जाम पैटर्न है और उसी का सिलेबस है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आता है, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके नोटिफाई कर दूंगा। अगर कोई चेंजेस नहीं होता है तो आप इसको यूज कर सकते हो और अभी के लिए आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल सही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिपरेशन करने में। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, जो आपका एग्जाम टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसके अंदर जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, आर्थमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और फिजियोमेट्रिक टेस्ट। दोस्तों, ये सब्जेक्ट एग्जाम के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि इनके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे और जो आपको एग्जाम करने के लिए समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का होगा। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा, जैसे कि आप जानते हो जिसको हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में बता देता हूं दोस्तों। सिलेबस के बारे में आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूं, यानी कि किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, पहले मैं आपको आर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में बता देता हूं। नंबर सिस्टम, SCF एंड LCM, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन एजिस, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। और दोस्तों, अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और उसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टॉपिक्स का मतलब यह है कि जो आपके रीजनिंग के अंदर के जो रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर के जो क्वेश्चन होंगे वो इन टॉपिक्स के अंदर से आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, आर्थमेटिकल नंबर सीरीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, फिगर सीरीज, फिगरल सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, एनालॉजीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आर्थमेटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, एनालिसिस एंड जजमेंट, विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डाटा सफिशिएंसी, ETC। दोस्तों, आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो है रीडिंग कंप्रेशंस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, एडजेक्टिव, फारसिस एंड आइडम्स, स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्शन, टेंसिस, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग ऑफ एरर। दोस्तों, आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह जनरल अवेयरनेस और उसके अंदर जो आपके टॉपिक्स आते हैं वह है लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स, यानी कि आपको जो हमारे लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर, यानी कि जो घटना घटी है, जो कुछ नियम बने हैं, कुछ भी एक ऐसा जिसको हम जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता था वो आपको याद रखना है। साइंटिफिक रिसर्च, एवरीडे साइंस, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सिस्टम, RBI इंस्टीट्यूशन। और दोस्तों, आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह कंप्यूटर अवेयरनेस और इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वह है कंप्यूटर डेफिनेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, नेटवर्किंग, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, डाटाबेस बेसिक्स, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न
कंप्यूटर, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर शॉर्ट की शॉर्टकट कीज, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड दियर फंक्शनैलिटीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नंबर सिस्टम, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों जो आपका अगला जानकारी है सब्जेक्ट है वह गेन द नॉलेज ऑन बिलो द गिवन टॉपिक्स, यानी कि आपको एक्स्ट्रा बताया गया कि आपको अपनी नॉलेज इन टॉपिक्स के ऊपर बढ़ानी है। बैंकिंग टर्म्स, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बैंकिंग अवर्नेंस, सब्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असिस्ट एस फोर ए स्कीम, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, लीड बैंक स्कीम, ऑल यू नीड टू नो, एन बी एफ सी एस, डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवर्नेंस फंड, डी ई एफ स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन, 10 इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स टू रिमेंबर, लिस्ट ऑफ करेंसी टर्म्स विद एक्सप्लेनेशन, एनपीए, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। दोस्तों अगले जो अभी टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ई बैंकिंग एंड पेमेंट रिबैंक्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स, रिसेंट अमेंडमेंट्स इन बैंकिंग, ओम्बड्समैन स्कीम, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस इन इंडिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कैश मैनेजमेंट, लाइन ऑफ क्रेडिट गाइडलाइंस बाई IDES, अदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स एंड ऑब्जर्वेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस सांगली DCC बैंक क्लर्क एग्जाम का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया, तो ये इसका सिलेबस भी एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस आप इसको कह सकते हो। या आप अगर आप में से जैसे बहुत सारे कमेंट मिले कि सर हमें बताइए सिलेबस क्या है, तो आप ये सोच कर ये मान करके तैयारी कर सकते हो कि मैंने आपको अपनी तरफ से इसके बारे में सिलेबस की जानकारी दी है और मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आप इसके अनुसार अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई चेंजेस होता है ऑफिशियल सिलेबस एग्ज़ाम आने के बाद, तो मैं आपको उसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया नोटिफाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले।